Happy National Day! Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine and doing very well. अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं सबवे स्टेशन में एंटर हो रहा हूँ, जिसका नाम फुबुखा है और ये हुहू लेक के बिल्कुल कॉर्नर पर है और चाइनीज़ डोरमेट्री के बिल्कुल सामने है. स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी होता है अगर सबवे लेनी हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो. एक्चुअली आज संडे है और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ ल्यू यांग सिटी में. हमारा एक ग्रुप जा रहा है ल्यू यांग सिटी. चाइनीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जनाब जी वहाँ पर फायरवर्क्स का शो देखने. तो फुबुखा स्टेशन से यहाँ से जाऊँगा गुईथांग, यहाँ से लाइन 4 लूँगा. जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ दो लाइंस हैं 3 और 4, तो लाइन 4 लूँगा और वहाँ तक जाऊँगा. वहाँ से आगे हम लोगों ने बस अरेंज की हुई है जो हमें ल्यू यांग सिटी लेके जाएगी. तो अभी मैं ये फुबुखा स्टेशन में एंटर हुआ, अभी यहाँ से मैं टिकट लूँगा और फिर आगे चलूँगा. अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से टिकट्स वगैरह कैसे लेते हैं, सबवे यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें. तो ये है जी मशीनें टिकट्स लेने के लिए. अभी ये मशीनें यहाँ पर लैंग्वेज की ऑप्शन होती है. अभी ये मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा और फिर आगे मैप ऑलरेडी शो कर रहा है. ये प्रेस नहीं हो रही, आई थिंक प्रॉब्लम है. चलें दूसरी मशीनें हैं, अभी यहाँ पर ट्राई करते हैं. ये इन सर्विस है, तो यहाँ से ये मैप देख रहे हैं, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, क्योंकि चाइनीज़ में काफ़ी दफ़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है. इतनी कोई ख़ास अभी तक चाइनीज़ इंप्रूव नहीं हुई. तो ये जी लाइन 4 का मैप है, यहाँ से अब गुईथांग का स्टेशन सेलेक्ट करना है. और वो जनाब जब ये फुबुखा से मैं जाऊँगा, ये गुईथांग का स्टेशन है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये पेमेंट के दो आ जाते हैं, अली पे और वी चैट. मैं मोस्टली वी चैट यूज़ करता हूँ, तो वी चैट किया, यहाँ पर अपनी टिकट्स सेलेक्ट की और वी चैट पर अपना पेमेंट कोड होता है वो आप दिखाएंगे और ऑटोमेटिकली वो जो भी पेमेंट होगी वो डिटेक्ट कर लेगा. और पेमेंट जो है वो यहाँ पर जैसे ही होगी तो वो एक आप कह लेंगे टिकट या एक कॉइन जो है मैग्नेटिक कॉइन वो बाहर निकलेगा. ये भी आ गया मेरा, ये मैग्नेटिक कॉइन जो है यही मेरी टिकट है और यही यूज़ होगी आगे इंटरेस्ट के लिए. चलिए अभी भी दिखाता हूँ कि यहाँ से आगे फिर इंटर कैसे होना है और चीज़ें क्या क्या चेक होती हैं और क्या क्या स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें के कैसे कैसे ये सारा चाइनीज़ सबवे सिस्टम ये काम कैसे करता है और ट्रेन कैसी है और सर्विस कैसी है, ये सारी चीज़ें. ये चेकिंग मशीन है, जिस तरह एयरपोर्ट्स पर होती है वही. मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर खाने पीने का कुछ सामान था, पानी की बोतल थी. अब ये मुझे चेक किया, इसने चेक किया कि बस पॉकेट्स वगैरह देखी हैं और कहा कि जाओ जी. और ये जी मेरा बैग है, तो इसमें चूँकि खाने पीने की चीज़ें मैं मोस्टली इस तरह की कोई ग्रुप एक्टिविटी हो तो लेके चलता हूँ, क्योंकि लंच डिनर में मोस्टली वो हलाल खाने कम ही होते हैं, तो इसलिए. ये जी टिकट लगाई और ये जी ओपन हो गया गेट. यहाँ से अब हम एक्चुअली प्लेटफॉर्म में एंटर हो गए और ये सामने लाइन 4 का प्लेटफॉर्म है और इससे आगे लाइन 3 का प्लेटफॉर्म है.
मैंने जहाँ जाना है वो लाइन 4 पर है, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे रहूँगा, आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ से मैं 2 पॉइंट है, और ये जनाब जी यहाँ से पता चल गया जी, ये वाला है इंट्रेंस पॉइंट, यहाँ से मैंने ट्रेन लेनी है। यहाँ से अब नीचे जाऊँगा, दूसरी तरफ से अगर इंटर होऊँगा तो वो मुझे दूसरी तरफ ले जाएगा जहाँ से ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए दूसरी तरफ का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, लाइन 4 का। और मैंने जिस डायरेक्शन में जाना है उस तरफ ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये वाला यूज़ होगा, ट्रेन इस पर आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये चाइनीज़ जो है वो वेट कर रहे हैं, मतलब ट्रेन या तो गुजर गई है। हाँ गुजर गई है। अभी ये दोबारा ट्रेन आने में कोई 1 मिनट है, और मैं बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म मेरे पीछे है, बिल्कुल कॉर्नर पर हूँ। और ये सिर्फ टॉयलेट्स हैं, ये बिल्कुल कॉर्नर है, तो फर्स्ट कैबिन जो होगा वो मेरा होगा जहाँ से मैं एंटर होऊँगा। कहीं से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो फर्स्ट कैबिन। ट्रेन आ गई और बिल्कुल स्लो हो गई है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का बिल्कुल स्टार्टिंग या दूसरी साइड से कह लें कि एंड पॉइंट है। अभी ये गेट ओपन हो रहे हैं, और ये जनाब अब अंदर अंदर जाऊँगा। अभी कैमरा बंद कर दूंगा, क्योंकि अंदर भी लोग विदाउट परमिशन जो है वो बुरा बना सकते हैं, तो मैं अभी कैमरा बंद कर दूंगा अंदर। वीथांग स्टेशन पहुंच गया हूँ, अभी यहाँ ये कॉइन डाल दूंगा, और ये जी ओपन हो गया। अब ये प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी भी समय स्टेशन की प्रिमिसेस के अंदर हूँ। यहाँ से मैंने एग्ज़िट 2 लेना है, तो एग्ज़िट 2 पर हमारी बस है, जहाँ पर ग्रुप सारा ऑलरेडी पहुँच गया है। मैं और एक दो और लड़के हैं जो लेट हो गए हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से बाहर निकलते ही आगे बस है, और बस रेडी है हमें लेके जाने के लिए। तो यहाँ से फिर सीधा ल्यू यांग सिटी, तो वहाँ पर पहुँचेंगे, और जाते ही डिनर का टाइम हो जाना है, और खाना शाना खा के फिर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाएंगे। और खाना मैंने चूँकि अपना कैरी किया हुआ है, स्नैक्स हैं, कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ताकि आसानी रहे, वरना हलाल खाने का बड़ा मसला होता है। राइस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, यही कुछ ही बंदा खा सकता है, तो कुछ खास नहीं होता। सिटी का स्काई थिएटर जहाँ फायरवर्क्स होगा, जिसे देखने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले अभी खाना खाया जाएगा, फायरवर्क्स से पहले डिनर होगा। लेट्स गो। साथ ही एक बैड लक हो गई है कि हमारे पहुंचने से पहले ही सारी टिकट्स जो थी वो सोल्ड आउट हो गई थी, और हमारा ऑर्गेनाइज़र जो था वो मैनेज नहीं कर सका ये चीज़। तो अभी हम अंदर नहीं जा सके, अभी बाहर बैठकर ही हम सब लोग जो है वो फायरवर्क्स देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक सही है। अंदर से शायद हमें उस तरह नज़र ना आता, क्योंकि सर काफ़ी उठाना पड़ता, अभी बाहर से थोड़े फासले से आसमान में सारा कुछ काफ़ी क्लियर है। तो पता नहीं ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन जो भी हुआ
इंजॉय कर रहे हैं। होपफुली कि आप लोग भी इसे इंजॉय करोगे।